जी आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जी फेस वॉश के बारे में कि आप लोग क्या गलती करते हैं फेस वॉश लेते हुए। ठीक है, आप ये देख सकते हैं मेरे पास ये कुछ पाउंड्स के फेस वॉश हैं। सबसे पहले ये देख लें, ये एक्ने सॉल्यूशन फेस वॉश है। इसके बाद जो है पाउंड्स का प्योर ब्राइट चारकोल फेस वॉश है। इसके साथ जो आता है पाउंड्स का सबसे ज़्यादा सेल होने वाला वाइट ब्यूटी फेशियल फॉर्म है। इसके साथ है जी पाउंड्स का वाइट ब्यूटी टोनअप फेस वॉश है ये वाला। इसके साथ आता है जी पाउंड्स का फ्लॉलेस रेडियंस फेस वॉश। इसका पहले फ्लॉलेस वाइट नाम होता था। इसके बाद है जी पाउंड्स का ऑयल कंट्रोल फेशियल फॉर्म। इसके साथ है जी एज मेरिकल फेस वॉश। और इसके साथ आता है जी सन डलनेस एक्सप्लोटिंग फेस वॉश स्क्रब फेस वॉश है ये वाला। इन सब की पैकिंग जो है वो पहले से चेंज हो गई है। अब ये देखें जी, ये जो फेस वॉश है ये आपको किस स्किन पे यूज़ करना चाहिए, ये स्पेशली अगर तो आपकी नॉर्मल स्किन है, ठीक है, आपकी स्किन पे एक्ने वगैरह का कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप इसे तब यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, एक्ने वगैरह नहीं है, ऑयली स्किन नहीं है, तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें हल्का सा स्क्रब होता है, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। और इसके साथ आता है जी पाउंड्स का एज मेडिकल फेस वॉश। अच्छा, ये स्पेशली उनकी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप 30+ हैं, 35+ हैं, ठीक है, आपकी स्किन को लूज होना शुरू हो गई है, हल्का से फाइन लाइन आना शुरू हो गई है, रिंकल्स आना शुरू हो गई हैं, तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करता है एंटी एजिंग इफेक्ट आने से। एज मेडिकल उनके लिए ज़बरदस्त है। अगर नॉर्मल स्किन है आप इसे तब भी यूज़ कर सकते हैं, अगर ड्राई है तब भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करता। अगर आप इससे कम एज में इसको यूज़ करना चाहते हैं तो बेशक आप इसकी बजाय कोई दूसरा यूज़ कर लें, ये तब आपके लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा। और इसके साथ आता है जी ऑयल कंट्रोल फेस वॉश। ये भी बड़ा अच्छा फेस वॉश है। अगर तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, आप इसे फिर यूज़ करें। वैसे तो सर्दी आ गई है, सर्दियों में बहुत से लोगों की स्किन जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है। अगर आपकी एक्स्ट्रा ड्राई है तब भी आपकी स्किन नॉर्मल हो सकती है। ये ज़्यादा फेस वॉश समर में यूज़ होता है, विंटर में भी कुछ लोग इसे यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है आप ना यूज़ करें। ये बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किन को ड्राई करता है। एक तो इसमें स्क्रब होता है, इसकी वजह से भी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, तो आप इसे समर में यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके साथ आता है जी पॉन्ड्स का फ्लॉलेस रेडियंस फेस वॉश। अच्छा, इसकी भी पैकिंग चेंज हुई है, पहले कुछ डिफरेंट पैकिंग में था, लेकिन अब ये इस तरह की पैकिंग में आ रहा है, ठीक है, क्रिस्टल कैप था पहले इसका, लेकिन अब ये इस पैकिंग में आ रहा है, डार्क पैकिंग में। ये ज़बरदस्त क्वालिटी का फेस वॉश है, स्पेशली नॉर्मल स्किन के लिए अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तब भी ये बेस्ट रहेगा, ठीक है, आप इसे विंटर और समर दोनों में यूज़ कर सकते हैं। अगर इसकी प्राइस की बात करें जी, तो प्राइस जो है वो इसकी तकरीबन 450 रुपीज़ में है। ज़बरदस्त फेस वॉश है ये वाला भी। और इसके साथ आता है जी पॉन्ड्स का इंस्टेंट टोन अप वाइटनिंग फेस वॉश। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त है, मिल्की फॉर्म है, ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता, ये स्पेशली ड्राई स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत फेस वॉश ऐसे होते हैं, अगर आप ड्राई स्किन के लिए यूज़ करते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपका स्किन टोन जो है वो डल होना शुरू हो गया, लेकिन इसमें ऐसा इंशाल्लाह नहीं होगा। आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये वाइटनिंग इफेक्ट्स के साथ साथ आपकी स्किन को डल होने नहीं देता, ये स्पेशली ड्राई स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। और इसके साथ आता है जी पाउंड्स का सबसे ज़्यादा सेल होने वाला फेस वॉश है ये वाइट ब्यूटी फेशियल फॉर्म, प्लस इसमें सीरम इंक्लूड है। ये पहले सिंपल पैकिंग में आता था, इसकी भी पैकिंग चेंज हो चुकी है। ये पाउंड्स में सबसे ज़्यादा 95% सेल होने वाला फेस वॉश है। ये नॉर्मल स्किन पे भी यूज़ हो जाता है, ठीक है, ड्राई स्किन पे भी यूज़ हो जाता है, लेकिन अगर आप इसे विंटर में अब यूज़ करते हैं ड्राई स्किन पर, तो ये आपकी स्किन को थोड़ा ड्राई करेगा। अगर आप ऑयली स्किन पे यूज़ करना चाहते हैं तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन वाले यूज़ करेंगे तो इससे आपकी स्किन नॉर्मल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगी। नॉर्मल वाले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली अगर ऑयली स्किन वाले करें तो बेहतर रहेगा। नॉर्मल वालों की हल्की सी थोड़ी सी स्किन ड्राई हो सकती है इसके साथ। और इसके साथ आता है जी पाउंड्स का ब्राइट ब्यूटी चारकोल फेस वॉश। अच्छा, ये फेस वॉश उनके लिए बेस्ट है जो कि आउटडोर में ज़्यादा जिनका काम है पोल्यूशन आउट फेस वॉश है, ठीक है, ये आपकी स्किन से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो डस्ट है वो रिमूव करता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये पोल्यूशन आउट फेस वॉश अच्छा ज़रूर है, लेकिन अब
विंटर में इससे स्किन आपकी ड्राई होगी होगी। अगर आप फिर भी इसे यूज़ करना चाहते हैं तो आपकी स्किन ड्राई होगी, ठीक है। उसके बाद आपको कोई ना कोई लाइट सा मॉइस्चर लगाना पड़ेगा, इससे स्किन आपकी ड्राई होगी। अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है तो आप इसे यूज़ ना करें, फिर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई होगी और ड्राई होने की वजह से डैमेज हो सकती है। और लास्ट पर आता है जी पॉन्ड्स का एक्ने सॉल्यूशन फेस वॉश। ये स्पेशली अगर तो आपकी स्किन के ऊपर एक्ने है तब आपकी स्किन के लिए ये बेस्ट है, ठीक है। एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि एक्ने तो आपकी ठीक करता ही करता है, और दूसरा ये कि ये आपकी स्किन को विंटर में थोड़ा सा ड्राई ज़रूर करेगा। आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि आपकी स्किन को ड्राई कर रहा है, सिर्फ आपने ये देखना है कि आपकी स्किन से एक्ने रिमूव कर रहा है। नॉर्मल स्किन वाले इसे यूज़ ना करें वरना आपकी स्किन के ऊपर ज़्यादा ड्राइनेस होगी, ठीक है। ऑयल कंट्रोल वाले यूज़ कर सकते हैं, ऑयली स्किन के ऊपर ही ज़्यादातर एक्ने होती है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसे यूज़ करें तो उसके बाद आपको हल्का सा लाइट सा मॉइस्चर अप्लाई ज़रूर करना पड़ेगा वरना आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाएगी। तो ये थे जी कंप्लीट फेस वॉश जिनके बारे में आपको बता दिए कौन सा वाला किस स्किन पे यूज़ करना चाहिए। उम्मीद है जी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।